Hi, this is Sara Khan. Install Hum TV app for amazing content. जग खेडदा फिरे मेरे नाल। बेच आया मेरे पुत्र के खून को, ले आया मैंने, ये कीमत है मेरे पुत्र के खून की? इसके बदले बेचा मेरे पुत्र के खून को? तुझे शर्म नहीं आई? तुझे शर्म नहीं आई? तू भी मर जाता वहां पे चौधरी रबनवास के डेरे में, मरा क्यों नहीं है तू? मरा क्यों नहीं है तू? तुमसे खून की कातिल है तू मेरे पुत्र का। तुमने मारा है मेरे बेटे को, सब लोग खूनी है मेरे बेटे के, सबने मिलके मार दिया मेरे पुत्र को। मेरे पुत्र को क्यों मारा? सबने मेरे पुत्र को क्यों मारा? कोई है मुझे इंसाफ दिलाने वाला? हुसैन जी, तू तो कहता था कानून से इंसाफ लेंगे, तू तो मनी ले आया तू। कोई तो इंसाफ वाला था किस माँ की फरियाद पहुंचाए, मुझे इंसाफ दे मेरे पुत्र का, इंसाफ दे मुझे मेरे पुत्र का, इंसाफ दे। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा पुत्र वापस आ गया, मैं सबके जाऊं। मैं समय वर्गियां तो मैं लखातियां वार दूं अपने पुत्र में से, सदके जाओ। बड़ा शुक्र है अल्लाह मियां, मैं सदके जाऊं। अल्लाह तुझे सलामत रखे बच्चे। तेरे तो मैं सात सात पुत्र देखूंगी इस वेड़े में, तेरी चन्न वर्गी दुल्हन तेरे साथ हंसती बोलती फिरेगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुर्शिद का करम हो गया मेरे बच्चे, मैं तो आज ही पीर साहब की दरगाह पे मीठे चौलों की देख दूंगी, देखिए इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। मैं सब आराम से दर्द दे दे और रब की मार पड़े इस राशिद को, इस बेदर्दी से मारा मेरे बच्चे को। वो इस मजदूर का तो काम ही है चौधरी निवास के हुक्म पे लोगों पे जुल्म करना, पता नहीं कितने लोगों का घर खराब किया इसने, सत्यानाश कर दिया, इसीलिए तो रब ने इसे पुत्र नहीं दिया, तीनों की फौज दे दी है। जरीना बेचारी हर वक्त पोते की आस में रोती फिरती, ओए मैं सबके, मैं वारी मेरा बछड़ा सबके, अम्मा की कैसे दे दे मेरे बच्चे, हमसे ठीक हो जाएगा, इस बार से ठीक हो जाएगा मेरा पुत्र। बड़े शौक से रिश्ता किया था पा फजल ने, चौधरी साहब ने मना भी किया था, ना कर यहां रिश्ता, ना बिरादरी के हैं और ना बराबरी के हैं। पर पा फजल एक ही बात करता था कि मेरे बेटे को उससे मोहब्बत होगी। सारा जो बहावल कहता है कि जिस वेले चौधरी परवेज लड़ रहा सी ना, वो ठीक कह रहा सी। वो कह रहा सी कि जो मुंडा नहीं वकास ने पैसों के पिछे अपनी भैन नाल इहो जिही हरकत कीती है, ते जिस वेले पता चलिया ते उन्हां ते मार ही छड्डिया मुंडे नूं। तो कहां से लाने थे पा फजल ने 25 लाख रुपए? लोग समझते हैं कि चौई साहब का चचाजाद भाई है तो हिस्सेदार होगा जायदाद में। ना ना बीबी, एह जी गल नहीं, मैं ते सारी उम्र ए चौधरियां दी हवेलियां च गुजारती, तुहानू पता है साडे जिहड़े वड्डे चौधरी साहब सन ना, ये सारा कुछ उन्हां दी हक हलाल दी कमाई दा है, बल्कि
ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਅੰਮਾ ਜ਼ਰੀਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ ਲੈ ਲੋਕ ਕੋਈ ਕਾਕੇ ਨੇ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਪਤਾ ਚਦਰਾਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਨਵੀਨ ਕੌਰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਧਾਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਹਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਦ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਗਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਨ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਾ ਬਿਰਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਲਾਵ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬੁਲਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸੁਬਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਗੱਲ ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰੀਮ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸੰਮੀ ਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਨੱਚ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਧੀਆਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਲੈ ਲੰਮੀ ਪਈ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉੱਠ ਜਾ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਭੁੱਖੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਮੁਰਗੀ ਹਲਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਮਰੀਮ ਉਹ ਸੰਮੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਐਡੀ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਗਈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਂ ਚੱਲ ਹੁਣ ਉੱਠ ਉੱਠ ਜਾ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਖਾਣਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਪਾ ਫਜ਼ਲ ਕੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੁਝੇ ਓਏ ਉਸਕੇ ਸਰ ਪੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਵਾਰ ਹੈ ਕਿਸੀ ਵਕਤ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਝੇ ਉਸ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਗੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਉਸ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਅਗਰ ਪਾ ਫਜ਼ਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਮਾਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਜੈਸਾ ਕਹੋਗੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋਗਾ ਅਗਰ ਪਾ ਫਜ਼ਲ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਮੈਂ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤੋ ਉਸਸੇ ਤੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਝੇ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਣੇ ਕੇ ਲਿਏ ਬੇਤਾਬ ਹੈ ਕਿਸੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਨਜ਼ਰ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਉਠਾ ਲੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਕਾ ਹੋਗਾ ਘਰ ਮੈਂ ਘੁਸਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਜਬ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੋਤਾ ਹੂੰ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਕਾ ਹੀ ਹੋਤਾ ਹੂੰ ਅਰੇ ਸ਼ਾਦੇ ਔਰ ਤੇਰੀ ਇਹੀ ਬਾਤੇ ਤੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜੀਤ ਲੈਤੀ ਹੈ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ
दूध शरीर की सही। जा अपनी बुड्ढी को शक्ल दिखा जाके, वरना घुसने नहीं देगी तुझे कार। और आ वो पाप फजल पे भी नजर रख ले, और कोई बंदा लगा दे उसके पीछे जो पल पल की खबर तुझे देता रहे। जी सरकार। क्या सलाम सरकार। मान जाना अब्बा, वो बहुत प्यारी है, एक नजर में ही उस पर प्यार आ जाता है। तू भी उसे देखेगा ना, तुझे भी प्यार आ जाएगा। तो यार तू पहले ये फैसला कर ले कि उस पर तुझे प्यार आना है या मुझे। दोनों को ही अब्बा। तू बता, जिससे मुझे प्यार होगा उस पर तुझे प्यार नहीं आएगा? आएगा, खैर देखे ही आएगा। तू बस अब्बा हाँ कर देना। यार मैंने क्या करना है, वो रिश्ता तो पहले जाने दे। हाँ तो कुड़ी वालों ने करनी है ना। उनकी तरफ से तो समझ आ ही है। अच्छा जी, तो बेटा जी अगर मैं ना कर दूं तो मैं मर जाऊंगा। सच कह रहा हूँ, सारी सारी रात वो मेरी आंखों में घुसी रहती है। वो काश के घर के चक्कर लगाता रहता हूँ खामखा। दीवारों में भी वो मुझे दिखती है, देर देर तक दीवारें देखता रहता। यार वो भी तुझे ऐसे ही देखती है। पता नहीं अब्बा, मुझे उसे देखने से फुर्सत ही नहीं मिलती कि मैं ये देखूं कि वो क्या देखती है। बिल्किस, ओ बिल्किस जल्दी आ, आ जा बिल्किस। किस चीज की जल्दी पड़ी हो ये? कितनी बार कहा, इतने जोर जोर से आवाजें ना दिया करे। रब ना करे ऐसे लगता है कोई मुसीबत आन पड़ी है। ब्रेकिंग न्यूज़ है, तेरे पुत्र को इश्क हो गया। अब छेती छेती इसके विवाह की तैयारी पकड़, नहीं तो इसको तुझमें और मुझमें भी कुड़ी दिखने लगी। मैं सदके, हाय रब्बा, इसी का तो इंतजार था मुझे। मेरा पहला इश्क तो तुम दोनों हो, सम्मी तो मेरा दूसरा इश्क। अच्छा भाई, फिर पहले इश्क में गुजारा कर। तो मेरी बहू है ना, मेरे परवेज पुत्र की दुल्हन है तू। तू कितनी सोनी है तू। तुझे पता है मेरा परवेज तुम में मरता था, कहता होता था समी इश्क है मेरा, माँ इश्क करता हूँ मैं समी से, मुझे समी ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। तू शाम बैठी है, परवेज किधर है? परवेज, परवेज नहीं आया। फजलदीन देख तो सही, हमारी बहू आई है। परवेज को बुला कि उसकी दुल्हन घर आ गई है, वो भी आ जाए, मैं उसकी खुशियां मनाऊं, मैं अपने पुत्र के लिए गाना गाऊं। जीवे बनरा उमरा सारिया। बस कर दे
राशिद, की चुप करके टुरिया जाता है? किन्नी वारी क्या है? जिस वेले आया कर, उस वेले पहले आके मैं मिलिया कर। मेरे पैरों थले जन्नत है, मैं तेरी माँ वा, वो तेरी बीवी कितने नहीं चली, ऐथे ही पई है। बे मेरे कोल, आ। जी माँ जी। मंदास, ओ, चौधरी फजल वनी लै गए? जी माँ जी। अच्छा, ते ओ मुंडा वकास अपने घर चला गया? जी माँ जी। सजर नेड़े हो, मैं गल करनी, मेरी गल सुन। चौधरी नवाज ते चौधरी फजल बीच जदाद दा झगड़ा है, लेकिन असी हमेशा चौधरी नवाज नाल खलोना है। तन पता है क्यों? तू चौधरी नवाज दा भरा है, उन्हें मेरा दूध पीता है। समझ आ रही गल दी? जी माँ जी। असी सारी उम्र चौधरी नवाज दा साथ देना है, समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी माँ जी। अच्छा हुन जा, तेरी बुढ़ी दरवाजे नाल कान ला के खलोती है, खरे माँ पुत्र की गल कर रहे हैं। ते सारी गल्ला नहीं दसियां दी, जे वो पूछे ते कोई होर गल दस दे, बुढ़िया नू नहीं दसी दी सारी गल, समझ आई है तेनू? जी माँ जी। जा हुन। खरे की इश्क ता भूत सवार है, तियां ते तियां जान रही है, एक पुत्र नहीं दिता अजकल। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था तू? वो कैसे उठा तू? सरकार साहब के साथ था। हाँ, तो वहीं सो जाना था ना उसकी चारपाई के थले। और कैसे सोता मैं वहां? तेरे बगैर नींद कहाँ आती है मुझे? अपनी पसंद की जिंदगी गुजारने के लिए बाहर की पूरी दुनिया रखी है तूने, और मैं? ओए तेरे पास आके सांस आती है मुझे, वहां कहां सांस आती है मुझे? कितनी अजीज है ना तुझे तेरी सांस, कभी मेरी सांसों के बारे में सोचा है तूने? राशिद, दो दिन से मर रही हूं मैं, ये जो मेरे पेट में बच्चा है ना, ये सिर्फ मेरा नहीं है, तेरा भी है। मुझे तो बच्चे पैदा करने पे लगा दिया तूने, और खुद निकल जाता है अपनी पसंद की जिंदगी जीने के लिए, वो जिंदगी जो तूने मेरे साथ जीनी थी। वाह वाह, बड़ी मोहब्बत की शादी है ये। किसी दिन मर जाऊंगी ना तुझे। रब ना करे। खाना खाया तूने? हाँ खा लिया है। तूने खाना खा भी लिया? और मैं कब से तेरे इंतजार में खाना लेके बैठी हुई हूँ। और तो मैं क्या करता, सरकार साहब ने कहा खाना खा लो तो खाना पड़ा। अच्छा, तो तू अपने सरकार साहब से कह कि साल दर साल तेरे लिए बच्चे पैदा करे, और मैं इधर उल्टियां कर करके मरी जा रही हूँ, फिर भी अपने हाथों से तेरे लिए खाना बनाया मैंने। और माफ कर दे, आईना गारा के खाना खाऊंगा। सोड़ते मुझे, दो दिन से नहीं सोया हूं मैं। सालेमों वाले काम करेगा तो चैन की नींद कैसे सोएगा तू? ओए हुक्म का गुलाम हूं मैं, अपनी मर्जी से नहीं करता सब कुछ। बात बता,
तू अभी भी मुझसे प्यार करती है? जी तो नहीं जाता, लेकिन पता नहीं क्यों प्यार करती है तुझसे। थकी होगी तो है ना, मैं तेरा सर दबा देता हूं। हाँ एक मिनट, सोचा तो मैंने भी यही था कि तुझसे शादी कर शहर में घर बसाऊंगा, हमारे दो बच्चे होंगे, उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, शहर में नौकरी करूंगा, और जब मैं काम से घर वापस आऊं ना तो तुझे और बच्चों को घुमाने ले जाऊं। पर जो हम सोचते हैं ना ऐसा नहीं होता। तेरा बेटा जो नहीं हुआ राशिद, तूने अपने बेटे की ख्वाहिश में मुझे बच्चे पैदा करने वाली मशीन बना दिया। और मेरी पांच बेटियां तुम्हारे बेटे की ख्वाहिश में भारी ना हो सकी। इस लड़की को बनी करोगे अपनी, इसको अपनी बनी बनाओगे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तेरी नौ है, तेरे पुत्र की दुल्हन। और से देख इस लड़की को, इसके इश्क में मरा है मेरा पुत्र, इसके इश्क में तू है तुम पे। फजल खैर तो है? वजर वेले मुझे ये सजा दे। तुम जो कहेगा मैं करूंगा, पर ये काम नहीं। तो यार तू मुझे मार दे, मेरी लाश तैयार में फेंक दे, पर ये काम नहीं। फजल तू से निकाह करेगा,
निकाह करना कोई गुनाह नहीं है। वो दुआ है मेरी, रब का खौफ कर, और नूह से निकाह करूंगा मैं। बाफजल वो तेरी नूह नहीं है, परवेश का उसे निकाह नहीं हुआ था। थोड़ी कड़ियां ही बाकी रह गई थी, तू तो कबूल था एक दूसरे को। मैं कयामत के दिन क्या मुंह दिखाऊंगा परवेश को, और मेरे सिर में ये सुहादा डाल मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं। अरे तेरी सोच है, बरादरी का फैसला है, हम सब मुसलमान हैं, निकाह को समझते हैं। तू वन्नी को इज्जत दे रहा निकाह करके, खून बाह में मिल रही है तुझे, बस निकाह जायज नहीं है रब, बस निकाह जायज नहीं है। अब लड़की राजी है ना, मैं रब नीतू को जानता, ये निकाह नहीं हराम है। तू मुझे इससे बचा ले, तू मुझे इससे बचा ले, तुझे सच्चे रब का वास्ता मुझे बचा ले। फजल अभी ये हमारी इज्जत का मामला है, अगर तूने ये वनी कबूल ना की ना तो जोग बावल में ही नहीं और पूरे इलाके में लोग हमारी पग को ठुड्डे मारेंगे। मेरे सर में तो पग रही नहीं, मेरी पग का मामला है। और मैं तुझे कभी इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि तू मेरी पग को लोगों की ठोकरों में डाले। चल मैं तुझे छोड़ आता हूं, चल शाबाश। फनाना हौसला, तुम्हारे तो बान पा फजल। निकाह नहीं करूंगी चाचा, तुझे कबूल नहीं करूंगी। चाचा तू मुझे मार दे, मुझे मरना कबूल है चाचा। तू ना कहेगा ना चाचा, तू ना कहेगा ना। ये निकाह मेरी लाश से गुजर कर होगा, मैं भी देखती हूँ कौन माई का लाल निकाह करवाता है तुम्हारा। याद रखी फजल दी, जो तुमने चौधरी रब नवाज की बात मानी तो तुझे कसम है मरे हुए पुत्र की, जो उसके सामने सर झुकाया तो फिर इधर लौट के ना आना मेरे घर, समझना। बल्कि इस मर गई, खत्म थी गया तेरा मेरा 25 साल का निकाह। फजल आ, ओए आ जा। बैठ बैठ, और कुड़िये तू भी आके बैठ। निकाह शुरू करो मौलवी साहब। चौधरी फजल मेहर कितना लिखूं? मेहर कितना लिखूं चौधरी साहब? ये कोई 100 रुपये सिक्का है रजुल वक्त। समी दी रियाज जट, तुझे चौधरी फजल दीन वल्द चौधरी जमाल दीन के साथ निकाह हक महर 100 रुपया सिक्का रजुल वक्त कबूल है।
बोल बेटा कबूल है। शर्म कर मौलवी, हया कर तू, इसी मुंह के साथ मस्जिद में अजान देता है, अब जालिमों का साथ दे रहा है तू, झूठा निकाह पढ़वा रहा है, झूठा। खुदा से डर, क्या सामना करेगा खुदा का तू? डर उस दिन से जब ऊपर से तेरे गिरबान में हाथ पड़ेगा, फरार का रास्ता नहीं मिलेगा तुझे, बल्कि अथीसी तेरे नाल। ए सच, झूठा निकाह पढ़वा रहा है तू, सब झूठे सब झूठे। सही बात तो सुन मेरी, पर जाए इस तरह तमाशा ना बना, ये गैरत का मामला है, मर्दों का मामला है, उनको फैसला करने दे। रो ना तेरे इज्जत पर, थूकती हूँ मैं इस इज्जत पर। क्यों हो गया तेरे ऊपर जाई? दो टके का निकाह ही तो है और क्या है? चौधरी रब नवाज, ये दो टके का निकाह नहीं है, धोखा कर रहा है तू रब के साथ। मगर एक गल याद रखी चौधरी, कब्रें खुली पड़ी हैं, कैसे बचाओगे खुद को? ऊपर जाई, देख तेरे गबरू जवान का कत्ल हुआ, उसकी फनी है ये, तेरे गबरू जवान की वनी बनकर तेरे दर पे पड़ी रहेगी तो क्या फर्क पड़ता है? अब तुम दोनों की भी उम्रें हो गई हैं, जिंदगी बड़ी लंबी है, खिदमत करेगी कोने में पड़ी रहेगी, ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है। मुझे नहीं रखवाना कोई भी ख्याल, नहीं होगा ये निकाह, नहीं होने दूंगी मैं। इस तरह यहाँ खड़े होकर शोर करना चौधरियों की औरतों की शान नहीं है। चल मेरे नाल, गड्डी कटो, छोड़े मुझे चौधरी, छोड़ दे। अम्मा अम्मा तू कुछ करना, तू अब्बा को कॉल करना, तू उनको बोल के कुछ करे, उनकी तो बात चलती है ना चौधरी साहब के सामने, वो कुछ करेंगे। अम्मा अम्मा तू फोन करना अम्मा। ओहो, सम्मी का निकाह होने वाला होगा और वो किसी के हाथ बनी हो जाएगी, अम्मा तू करना फोन। किया है फोन 10 बार किया है, नहीं उठा रहा है तेरा बाप। होगा सरकार के हुक्म में, मेरा फोन क्यों उठाएगा, मर भी रही हूँ चाहे मैं। इसका तो मतलब ये हुआ ना अम्मा कि अगर अब कभी अब्बा ने भी चौधरी साहब का हुक्म माना और किसी का कत्ल कर दिया तो उसके बदले में मैं भी बनी हो जाऊंगी। रब ना करे, कैसी बातें कर रही है तू? उससे पहले कि तेरा अब्बा किसी का कत्ल करे, मैं खुद उसे अपने हाथों से कत्ल कर दूंगी। नहीं अम्मा, तू अब्बा को कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन अपने हाथों से मुझे जरूर मार देना, लेकिन मुझे किसी के हाथ बनी मत करना। पागल हो गई है, कैसी बातें कर रही है, मैं तेरी माँ हूँ, मैं क्यों तुझे बनी करूंगी? नरगिस पासी भी तो सम्मी की माँ है ना, लेकिन उन्होंने भी तो सम्मी को बनी कर दिया ना। बेटे की खातिर बेटी को उठा के दे दिया गैरों में, जो दिल चाहे उसके साथ करें। अम्मा बेटा इतना कीमती होता है ना, तो तू भी बेटा पैदा कर लेती। दादी तुझसे रोज लड़ते रहती है और अब्बा की दूसरी शादी करने के ताने देते रहती है। नहीं चाहिए मुझे बेटा। लेकिन वो अब्बा की दूसरी शादी तो बेटे के लिए ही कर रही है ना। तो कर दे, मुझे बेटा नहीं चाहिए। बात सुन तू मेरी, मेरे लिए मेरी पांचों बेटियां बेटों से बढ़ के है, समझी? इतने आज मैं हूं ना। ना घबरा, मैं हूं ना तेरे पास। सम्मी दी रियाज जाट, तुझे चौधरी फजल दीन वल्द चौधरी जमाल दीन के साथ निकाह हक महर 100 रुपया सिक्का रजुल वक्त कबूल है। बोल कुड़िये, बोल, कबूल है? क्यों जान गवाती है अपनी? कबूल है। पत्थर को मार दिया, जालिमों ने अब किस किस की
जान लेंगे। क्या देने लगी है रब्बा, कैसे जालिम लोग हैं। चौधरी फजलदीन वल्द चौधरी जमालदीन, आपको समी धी रियाज जाट बायवास 100 रुपया हक महर कबूल है। बोल पावजल। मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। जग खिंडदा फिरे मेरे नाम।